इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर बीबीजी इलाके में स्थित एक हॉस्टल में 38 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई हैं। जी हां, सभी को लोहिया और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और सभी की जांच की जा रही है। रात के वक्त खाना खाने के बाद ये सभी फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई और सबकी तबीयत खराब हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, लखनऊ के अलग अलग सरकारी अस्पताल में इन्हें एडमिट किया गया, आप सबको डिस्चार्ज किया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए हॉस्टल पहुंची है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस वजह से ये छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं। आपको बता दें कि बीबीडी इलाका है जहां लखनऊ में, जहां पर एक हॉस्टल है जहां छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई हैं, 38 छात्राएं। उसके बाद सभी को अन्य अस्पतालों में भर्ती किया गया, हालांकि अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए हॉस्टल पहुंची है। अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं सहयोगी अविनाश। अविनाश, क्या कुछ वजह अब तक निकलकर साफ हो पाई है कि किस वजह से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई ये सभी छात्राएं? अविनाश, देखिए बिल्कुल दीपक, आपको बता दें, जिस तरीके से आपने देखा कि लखनऊ के जो बीबीडी है, कह सकते हैं बाबू बनारसी दास का ये इलाका है, जहां पर फूड पॉइजनिंग में कई छात्र जो है गंभीर रूप से बीमार हो गई, जिनको अनंत में रात में ही देर शाम जिस तरीके से उनको एडमिट कराया गया। तो बता दें, लोकमान्य हॉस्पिटल और लखनऊ का लोहिया हॉस्पिटल, वहां पर जो है 38 लोगों को एडमिट कराया गया था, जिन्हें सुबह जो है डिस्चार्ज किया गया था। तो पर अभी कुछ लोगों की हालत जो है जिस तरीके से गंभीर है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है लखनऊ के बीबीडी इलाके में पहुंची और वहां पर जो फूड पॉइजनिंग की जो घटना हुई है उसकी जांच में जुटी हुई। अब देखना यह होगा कि जो है खाने में किस तरीके के जो है कमियां हैं, क्या कुछ वजह रही है जो इतनी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो जो है बीमार हुई, उनका अस्पताल जो है इस तरीके से देर रात जो है उनको जो है भर्ती कराया गया। बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से यहाँ पर जो लड़कियां फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई, उनका क्या कुछ कहना था कि हमेशा कुछ ऐसा खाना यहाँ परोसा जाता है या बनाया जाता है, या लापरवाही खाना बनाते समय बरती जाती है? देखिए, इस पूरी घटना की अगर बात करें तो देर शाम एक पार्टी में तमाम जो छात्र छात्राएं थे वो जो है शामिल हुए थे, जिसमें जो है देर रात जब उनकी हालत गंभीर हुई तो एक पे एक बात एक जो जो संख्या थी वो लोगों की जब बढ़ने लगी, तब ये जो है अनुसंधान में जो वहां पर हॉस्टल के संचालक है उन तमाम जो है छात्र छात्राओं को जो है नजदीकी जो है लोहिया हॉस्पिटल है वहां पर उन्हें जो है इलाज के लिए जो है एडमिट कराया गया। हालांकि देर रात कल की घटना है, जिसमें जो है अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही उसमें 38 लोग जो है अभी तक जो है एडमिट किए गए थे। हालांकि ये जो आंकड़ा है ये और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी जो है कुछ लोगों को एडमिट किया गया था, जिनका अभी भी उपचार चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की जो है जाँच चल रही है स्वास्थ्य विभाग की। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश। ये थे हमारे सहयोगी अविनाश, उन्होंने ये जानकारी दी है कि सभी जो छात्राएं हैं हालांकि वो डिस्चार्ज हो गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हॉस्टल के रख रखाव और खान पान के बारे में जानकारी जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है और खाद्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है कि आखिर किस वजह से छात्राएं इतनी ज्यादा तादाद में।